वेल, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब कनाडा में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। कितने आवर्स कर सकते हैं? अब 20 आवर्स का फंडा खत्म क्यों कर दिया गया और कौन से सेक्टर्स में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, इस सारी डिटेल के लिए देखिए आज की वीडियो। चेक मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये स्पेशल वीडियो। वेल, सबसे पहले ये बता दें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ही अच्छी खबर है, वो ये कि कनाडा में इस वक्त एक स्पेशल चेंजेस कर दिए गए हैं कनाडा इमिग्रेशन के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। ये काफी अच्छी चीज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्यों किया गया है इस चीज को, उसके लिए हम जरूर बता दें। सबसे पहले ये बता दें कि यार मेरा नाम है जॉनी हंस और हम करते हैं एजुकेशनल व्लॉग्स, उसके साथ साथ पोइट्री और रैप। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे इस चैनल पे, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कनाडा इमिग्रेशन ने एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वक्त फुल टाइम काम कर सकते हैं जिस भी इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। वेल, इस वक्त COVID-19 के चलते हुए बहुत सारा जो सेक्टर्स हैं उनको बंद किया हुआ है, और स्पेशली जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वर्कर्स की, और स्पेशली फ्रंटलाइन वर्कर्स की। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जिनकी बहुत इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि जो कनाडा के ऑलरेडी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं दे आर एब्सोल्युटली ओवरलोडेड विद द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव, और बहुत चैलेंजिंग है इस वक्त सिचुएशन को हैंडल करना। इसलिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या मेडिकल कॉलेजेस और हेल्थ केयर सेक्टर से कनेक्टेड है, उनके लिए अब काम करना फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि ट्रकिंग हो गया, सप्लाई चेन, ठीक है जी, फूड सप्लाई, चाहे वो फिर आपकी मीट फैक्ट्रीज हो, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज हैं, वेयर हाउसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, उसके साथ साथ रिटेल सेक्टर जैसे वॉलमार्ट हो गया, वॉलग्रीन्स हो गया, या दूसरे स्टोर्स जो हैं कनाडा में, इन पर्टिकुलर इफ़ यू टॉक अबाउट जैसे फार्मेसीज हैं, और उसके साथ साथ दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे काम करते हैं वो इस वक्त फुल टाइम काम कर सकते हैं। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 20 आवर्स ही करना, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत सारे यहाँ के जो पीआर हैं या सिटीजन हैं वो इस वक्त नहीं काम करना चाहते थे, क्योंकि लुकिंग एट दी कंडीशंस, या फिर बहुत सारे फैमिली से रिलेटेड लोग होते हैं हु रियली डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क एंड गो आउट एंड वर्क, पर इस वक्त लेबर की शॉर्टेज है, विच इज़ अ अंडरस्टैंडेबल फैक्ट। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्योंकि यंग जनरेशन है, दे कैन डेफिनेटली वर्क, और आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मेक सम अर्निंग, जो कि वो नॉर्मल केसेस में नहीं कर पा रहे। और ये चीज उन्होंने इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप ऑफ कनाडा की जो एक्चुअली ट्विटर अकाउंट है वहां पे भी उन्होंने डिक्लेयर किया, उसके साथ साथ canada.ca पे भी ये चीज अपलोड कर दी गई है, और ये अगस्त तक कर दिया कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो। और जो दोस्त अभी अभी आए हैं जो कि रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, फार्मेसीज में काम कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पे काम कर रहे हैं, ट्रकिंग में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में जो इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं, डेफिनेटली वो जरूरी हैं एंड उसमें आप काम कर सकते हो। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आप अपनी जो हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखिए, एंड प्लीज मेक श्योर रीड द कनाडा हेल्थ स्टैंडर्ड्स, जो प्रिकॉशंस उन्होंने बोले हुए हैं, अपना ख्याल प्लीज जरूर रखिएगा। डोंट थिंक कि यार आप किसी भी सिनेरियो में काम कर सकते हो, आपकी हेल्थ सही हो आप तभी काम करो, बिकॉज आपकी हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो एक अच्छा अपडेट है जो कनाडा इमिग्रेशन ने फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काम करने की परमिशन दे दी है, बट आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि यार कब तक ये चीज एप्लीकेबल होगी। हो सकता है कि अगस्त के बाद भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुल टाइम काम करने की परमिशन मिल जाए, या फिर ये हो सकता है कि वो इस चीज को वापस क्लोज कर दें। वैसे भी जस्टिन ट्रूडो ने एक और अनाउंसमेंट की थी जिसमें स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज भी है जिसमें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। सो देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेके आ रही है या नए प्रोग्राम्स लेके आ रही है जिसमें स्टूडेंट्स को वो एम्पावर करें, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि चाहे वो यार माइग्रेंट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स हो, दे आर अ ह्यूज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द इकोनॉमी ऑफ कनाडा। उसके साथ साथ वो कनाडा की पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और स्पेशली इस टाइम पे जब हर बंदा इस पेंडेमिक के साथ लड़ने में लगा हुआ है, सो इट इज़ अ ह्यूज सपोर्ट
फॉर कनेडियन इकोनॉमी एज वेल कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा काम करेंगे. वेल ये चीज़ एक्चुअली ऑफिशियली अनाउंस हो गई है, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑनरेबल यू नो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप मार्को ईएल मेंडिसिनो, उन्होंने ये चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी है. सो थैंक्स टू द इंटायर टीम हु हैज थॉट अबाउट इट, हु हैज टेकन सच अ पॉजिटिव स्टेप फॉर मेकिंग दिस यू नो थिंग अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दैट दे कैन वर्क full time if they are working in healthcare sector, essential services, food supply, logistics or is yani you know problematic situation mein jis bhi field mein aap kaam kar rahe ho jo is waqt operational hai aap full time kaam kar sakte ho. aur uske sath sath agar aap is waqt you know india mein ho ya kisi bhi country mein ho and you are thinking of planning to study in canada in montreal or kisi bhi city mein to aap hamari team ko bhi contact kar sakte ho agar aap kisi university ya college mein admission lena chahte ho. उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम ने अपना लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में फॉर्म है, उस फॉर्म को भर दीजिए. विद इन 48 आवर्स हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर देगी. उसके साथ साथ अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज मेक श्योर यू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. उसके साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो अपने व्यूज, अपनी थॉट्स. और अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी, खुश हुए हो आप इस न्यूज से, सो प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट ऑन सोशल मीडिया. बाकी आपके साथ YouTube लाइव और Instagram लाइव पे भी बातें होती रहेंगी एंड आई एम श्योर यू आर लविंग आवर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच. वी आर अबाउट टू हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स. सो राजी के लव यू अजी. सो फिलहाल लेने इजाजत, हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा. विच गड्डे ने सिद्धी साडी सोचिया ते पद्धरे ने रास्ते. देखो सिद्धी साड़ी सोचा ते पद्धरे ने रास्ते समानियों कोल साडे गल कदे पुठी दा केड़े वेले सौंदा ते केड़े वेले उठी दा बस इसे गल पिछे, बस इसे गल विच दुनिया हैरान साड़ी तली उत्ते जान साड़ी वक्खरी पछाण साड़ी सानू जी कनेडा चे ट्रकां वाले कहिंदे ने. कदे इह अड़ गए ते कदे इह खड़ गए, कदे इह दानी तामी दूर रहना पैंदा ए कुछ पाउण लई विछोड़ा वी सेना पैंता है. थक के बह जाते जेड़े वो खत्म हो जाते, थक के बह जाते जेड़े वो खत्म हो जाते, चलते रहन वाले जित दे अखीर कहते ने. मैनू कहन वाले सज्जना तकदीर कहते ने, ते मैनू कहन वाले फिर भी तकदीर तकदीर कहते ने.